कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का पावर स्टार पुनीत राजकुमार का ऐसे कई सारे फिल्म है जिसको दूसरी इंडस्ट्री में रिमेक बनाई गई है और ऐसे करके कुछ एक्टर को इंस्टेंट स्टारडम पावर भी मिला है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी पावर स्टार पुनीत राजकुमार का कौन कौन सी फिल्मों का बनाई गई है रिमेक उसके बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आप हो पुनीत राजकुमार का फैन तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 5, मिलाना। ये 2007 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें पुनीत राजकुमार और पूजा गांधी लीड रोल में नजर आई है। इसमें अंजलि को आकाश के साथ जबरदस्ती से शादी करवा जाती है और इसलिए बाद में वो डिवोर्स भी मांगती है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे कैसे आकाश से प्यार करने लगते हुए इसमें दिख रही है। और ये फिल्म 500 डेज तक सक्सेसफुली थिएटर में रन किया था और ये 2007 का वन ऑफ द मोस्ट हाइप वाला फिल्म रहा। और इस फिल्म पे पुनीत का परफॉर्मेंस के लिए उनको कर्नाटक स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला था और इसका बजट था सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़। बॉक्स ऑफिस का शून्य रहा 35 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित थी। और अगर बात करें इसके रिमेक वर्जन के बारे में तो इस फिल्म को बाद में 2 अदर लैंग्वेज में रिमेक बनाई गई है, जैसे कि नंबर 1 समथिंग समथिंग 2। ये 2014 में ओडिया भाषा में रिमेक है और इसमें अनुभव महंते और वर्षा लीड रोल में है और जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित थी। नंबर 2, की कोरे तोके बोलबो। ये 2016 का बंगाली भाषा में रिमेक है और इसमें अंकुश हाजरा और मिमी चक्रवर्ती लीड रोल में नजर आई है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिल फिल्म राजा रानी को इस फिल्म से हैवीली इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है और जो फिल्म 2013 का रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहा और जिसको डायरेक्ट किया है कॉलेज का वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरेक्टर एटली कुमार ने। और इसमें हमको RRR9 तराली ड्रोन में नजर रही है जहाँ पर इसका बजट था सिर्फ 20 करोड़। बॉक्स ऑफिस का शून्य रहा 70 करोड़ और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 4, अभी। ये 2003 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें पुनीत राजकुमार और रामिया लीड रोल में नजर रही है। इसमें एक ही कॉलेज के स्टूडेंट अभी ने भानु से प्यार करते हैं पर बाद में भानु के बाप की वजह से कैसे अभी ने एक मुसीबत में पड़ जाते हुए इसमें दिख रही है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित थी। और बाद में इस फिल्म को टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में रिमेक बनाई गई है अभिमन्यु नाम से और जो 2003 का फिल्म रहा और इसमें हमको कल्याण राम और रामिया लीड रोल में नजर रही है और जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर 3, बिंदास। ये 2008 का एक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें पावर स्टार पुनीत राजकुमार और हंसिका मतवानी लीड रोल में है। इसमें शिवु ने एसपी विक्रम राठौड़ का बेटी प्रीति से प्यार करते हैं और इसलिए वो कैसे पुलिस इन्फॉर्मर बनते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसमें पुनीत राजकुमार का काफी एक्शन वाला अवतार नजर आई है और इसका हिंदी डब्ड है बिंदास नाम से और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित थी। और बाद में इस फिल्म को 2012 में हीरो नाम से भोजपुरी भाषा में रिमेक बनाई गई है। नंबर 2, वीरा कन्नादिगा। ये 2004 का एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें पावर स्टार पुनीत राजकुमार और अनिता हसन अंदानी लीड रोल में है। इसमें एक यंग लड़का कैसे अपनी बस्ती को सेफ रखते हैं और साथ ही साथ अपने बाप का मर्डर का रिवेंज लेने के लिए फाइटिंग करते हुए इसमें दिख रही है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित थी। और बाद में इस फिल्म को 2004 में अंधवाला नाम से तेलुगु भाषा में रिमेक बनाई गई है और जिसको डायरेक्ट किया है पूरी जगन्नाथ ने और इसमें जूनियर एनटीआर और रक्षिता लीड रोल में नजर आई है। और ये 2004 का वन ऑफ द मोस्ट हाइप वाला फिल्म रहा क्योंकि जहां पर जूनियर एनटीआर का 2003 का एक्शन ड्रामा फिल्म सिम्हाद्री बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई उसके बाद आई अंधवाला और इसी वजह से इस फिल्म का हाइप काफी ऊंचाई पर था, पर इसके बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। नंबर 1, अप्पू। ये 2002 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है पूरी जगन्नाथ ने और इसमें पुनीत राजकुमार और रक्षिता लीड रोल में नजर आई है। और बता दो दोस्तों, इसी फिल्म से पुनीत राजकुमार ने एज अ लीड एक्टर सैंडलवुड में अपने डेब्यू किया और अपने डेब्यू फिल्मों से ही पुनीत ने बॉक्स ऑफिस पर बाजीमात किया था जहाँ पर इसमें एक मिडिल क्लास फैमिली कलर का अप्पू ने फाइटिंग करके क्रिटिकल कंडीशन में पड़ जाते हैं और बाद में उसे ब्लड डोनेट करने वाली लड़की सुचिता से कैसे प्यार हो जाते हुए इसमें दिखाई है। और ये फिल्म 200 डेज तक सक्सेसफुली थिएटर में रन किया था और इसी फिल्म के साथ पुनीत राजकुमार को इंस्टेंट स्टारडम पावर मिला है और ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड किया है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित थी। और अब बात करें इसका रिमेक वर्जन के बारे में, बाद में इस फिल्म को 4 अदर लैंग्वेज में रिमेक बनाई गई है
जैसे कि नंबर 1 इडियट, ये 2002 का तेलुगु भाषा में रिमेक है और इसी फिल्म को भी डायरेक्ट किया है पुरी जगन्नाथ ने और इसमें द मस्त महाराजा रवि तेजा और रक्षिता लीड रोल में नजर आई है और जो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 2 दम, ये 2003 का तमिल भाषा में रिमेक है और इसमें सीलम बरेशन और रक्षिता लीड रोल में है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर 3 हीरो, ये 2006 का बंगाली भाषा में रिमेक है और इसमें जीत और कल मल्लिक लीड रोल में नजर आई है। नंबर 4 प्रिया अमर प्रिया, ये 2008 का बांग्लादेशी बंगाली भाषा में रिमेक है और इसमें शाकिब खान और सहारा लीड रोल में नजर आई है और जिसका बजट था सिर्फ 50 लाख, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 15 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित थी। तो दोस्तों ये रहा प्रिंस राजकुमार का बहुत सारे फिल्मों के बारे में जिस फिल्मों को दूसरे इंडस्ट्री में रिमेक बनाई गई है। इन सब फिल्मों से कौन सी फिल्म आप रिमेक वर्षन और कौन सी फिल्म आप ऑरिजिनल वर्षन में देख चुके हो कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और साथ ही बॉलीवुड और साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।